गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था प्लीज मुझे फटाफट बताओ, जिससे मैं आगे स्टार्ट कर सकूँ। ओके, नियंत्रण संधि का वन सेकेंड है, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बताने के लिए। यस सर, स्टार्ट कर दीजिए अभी। तो आइए देखते हैं तीसरा नियम। नियम एक हो गया था, दो हो गया था, और नियम एक में था कि अगर समान वर्ण मिलते हैं, जैसे अ अ से मिलेगा तो आ हो जाएगा, ई ई से मिलेगी तो ई हो जाएगी, ऊ ऊ से मिलेगा तो ऊ हो जाएगा, है ना। मतलब छोटी मात्राएं बड़ी हो जाती हैं। तो ये हमने पहला नियम देखा था स्वर का, ये आपके सामने भी है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई ऊ अगर समान वर्ण से मिलेंगे तो अ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ हो जाएगा। हमने उसके उदाहरण भी देखे थे, जैसे महात्मा, शब्दार्थ, रविंद्र, वधूत, ये सब देखा था। और नियम दो भी हमने देखा था, अ या आ के बाद अगर छोटी या बड़ी या ए छोटी की या बड़ी आए तो जुड़ने पर ए हो जाएगा। जैसे मेरा नाम ही ले लीजिए, नर प्लस इंद्र, नर र में अ है और इंद्र में ई है, ठीक है। तो अ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा, है ना। और जैसे उ या उ, छोटी छोटा उ और बड़ा उ में से कोई भी अ या आ के साथ जुड़ता है तो वो ओ हो जाएगा। इस तरह से जैसे देखो, जल प्लस उर्मी, उ जुड़ा तो ओ हो गया, जलोर्मी हो गया। गंगा प्लस उत्सव, आ उ से जुड़ा तो ओ हो गया, गो गंगोत्सव। ये हो गया था, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड किया। इसमें तीसरे नियम में क्या होता है, यदि अ या आ के बाद, मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ हो या आ हो, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर ए या ए हुआ तो जुड़ने के बाद, अगर ए है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ए अगर ए है तो जुड़ने के बाद ए हो जाएगा। मतलब प्लस के बाद जो लेटर होगा उसकी बड़ी मात्रा यहाँ पे आ जाएगी जुड़कर। नहीं समझे, चलो फिर से बताता हूँ। प्लस के बाद जो लेटर आएगा, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, अरे एक सेकंड ना, सॉरी, यहाँ पे देखो, जैसे ए आया तो ए हो गया, ओ आया तो अ हो गया। तो जो आएगी मात्रा उसका बड़ी बड़ा मात्रा जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर ए या ए आए तो ए हो जाएगा, ओ या औ आए तो अ हो जाएगा। जैसे लोक प्लस एष्णा, लोकेष्णा, सदा प्लस एव, सदैव, वन प्लस औषधि, औ आया ना तो औ ही रहेगा, वन औषधि। हाँ, इसको फटाफट नोट कर लो, और जिसको जो नहीं समझ में आया बिंदास पूछो। हाँ, सदैव, राइट डैनियल। महा प्लस औदार्य, महोदार्य, मीनिंग भी चाहिए तो समझ लें। नियम दो बताऊं, अभी तो बता नियम, तो ये लिख लो फिर बताता हूं।
हाँ, रसु का दीर्घ हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। कौन सा ये क्वेश्चन, नियम 3 या 2, कौन सा एक्सप्लेन करो? 2। वेट वेट वेट, ये लिख लिया सबने? 2 एग्जाम्पल इसमें लिख लो, सदैव का और महाप्लस औदार्य का, दोनों का एक एक। ठीक है, मैं नियम 3 पहले बता देता हूँ। देखो इसमें दिया है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर ए आता है तो अय हो जाएगा, अगर अय आता है तो भी अय हो जाएगा, अगर ओ आता है तो औ हो जाएगा, अगर औ आता है तो भी औ हो जाएगा। माही, हम लोग रिवर्स चल रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ना ये। ठीक है, रुको 1 मिनट। हाँ, मैं फिर से दिखाता हूँ, नंबर 1 से दिखाता हूँ, नियम 1 से। इसीलिए हमेशा मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो पहले पीछे का बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया, नियम 1 में क्या दिया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 मिनट, मैं जरा पॉइंटर यूज करता हूँ। ये देखिए, कते ह्रस्व या दीर्घ स्वर, मतलब छोटी या बड़ी मात्रा चाहे जो हो, अगर अ आया तो जुड़ने समान वर्ण रहेंगे, अगर अ प्लस अ तो आ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ, मतलब कैसे भी अ को अ से जोड़ोगे, अ को आ से जोड़ोगे, आ को अ से जोड़ोगे, अ को आ से जोड़ो, कैसे भी जोड़ोगे उसका बड़ा रूप ही बनेगा। डेनियल, मैंने नहीं बोला संस्कृत है, मैंने कहा कि संधि संस्कृत के शब्दों में होता है, ये संस्कृत नहीं है, ये संधि के नियम है। अब ये तो बोर्ड से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैंने थोड़ी ना दिया इसको। अब बोर्ड बताएगा, बोर्ड ने दिया है, हमको पढ़ाने के लिए सिर्फ बोला है और आपको मार्क्स के लिए पढ़ना है इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो अ का आ हो जाता है, ई का ई हो जाता है, उ का उ हो जाता है, बस इतना ही समझ लो। अगर अ है तो आ हो जाएगा, अगर ई है तो ई हो जाएगी, अगर उ है तो उ हो जाएगा। उदाहरण देख लो, यहाँ पे देखो महा, हमें आ है तो आ प्लस आ इक्वल टू आ, महात्मा। शब्द द में अ है और उसके बाद अर्थ है, अर्थ में अ है तो अ प्लस अ इक्वल टू आ, क्या हो गया, शब्दार्थ। ठीक है, फिर रवि, वो पे छोटी की मात्रा है, प्लीज मैसेज मत करो अभी, पहले समझ लो, नहीं तो फिर बोलोगे सर बैक चलो। रवि, वो पे छोटी की मात्रा है, फिर यहाँ भी छोटी ही है, तो छोटी छोटी इक्वल टू बड़ी, रविंद्र। समझे, छोटी छोटी प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी। यहाँ पे देखो वधु प्लस उत्सव, तो ध पे बड़ी उ की मात्रा है और यहाँ पे छोटी उ है, तो बड़ी उ छोटी उ मिलेगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी उ की मात्रा, वधूत्सव। इस तरह से ये देखिए, सही है, ये समझा सबको, नियम 1 समझा, गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सत्य प्लस अर्थ, तो अभी देखो प्लस के पहले अ आया और उसके बाद अ आया, तो अ प्लस अ इक्वल टू आ, सत्यार्थ कवि, वह पे छोटी की मात्रा और यहाँ पे छोटी है, तो छोटी छोटी इक्वल टू कवींद्र, बड़ी की मात्रा। आगे बढ़ते हैं, नियम दो, ध्यान से समझो इसको। कहते अ या आ के बाद यदि ई या ई आए, मतलब यहाँ पे अ या आ कुछ भी हो, अगर उसके बाद छोटी या बड़ी कुछ भी आए, तो जुड़ने के बाद ई का ए हो जाएगा। इस तरह से भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, तो ई का क्या हो गया, ए हो गया, भारतेंदु का भारतेंदु हो गया। कमल प्लस ईश, बड़ी है तो कमलेश, ई का ए हो गया। आ प्लस ई इक्वल टू ए, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। फटाफट लिख लो उसको, एक मिनट, समझा। छोटा ऊ, छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, दीप, छोटा ऊ, छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, जैसे वहां पे दिया था ना, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। दीप समझा? अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे। नियम तीन, नियम तीन फिलहाल हो गया, नियम तीन किसी को फिर से देखना है या हम सीधा चार पे चले? यदि हस्व या दीर्घ, हस्व मतलब रस्व जो आप बोलते हो, ठीक है, हस्व या दीर्घ, छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा, किसकी, ई उ या री के बाद कोई असमान वर्ण आए, मतलब कि असमान का मतलब जो ई उ री से रिलेटेड ना हो, जैसे आ ए ओ, ये सब आ जाए, ये तीनों से समान नहीं है ना, असमान मतलब अलग, तो ई का यह हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा, तथा री का र हो जाता है। प्लीज नोट कर लो पहले फटाफट, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले इसको लिखो, लिख लिया, वेरी गुड। ये देखिए अब इसका उदाहरण, अब उसी के आधार पे देखिए। हाँ एक सेकंड, हाँ, अगर ई है तो ई की जगह पे यह हो जाएगा, जैसे देखो ई है, ई का यह हो गया, अगर अ है तो यह, अगर आ जुड़ा तो या, और ऊ है तो ऊ का यू, क्योंकि वह जुड़ जाएगा उसमें, यू यू, और ए है, ए का ये, अगर री है तो री का र बन जाता है। शब्द आपके सामने है, नोट कर लीजिए।
बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, सबका कम से कम एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लो बस। लिखा ओके वैभव, बाकी लोगों का होने दो। बाकी लोगों का हुआ, फटाफट मैसेज किया करो यार, तुम लोग मैसेज करने में भी कंजूसी करते हो। हाँ, संध्या आपका देखा मैंने। ओके ओके सोहन, ओके मैं वेट कर रहा हूँ, लिख लो लिख लो दी। ओके सुजन लिख लो, कोई बात नहीं है। ओके प्रतिभा, तो फाइनली डन। चलो आगे बढ़े, अंतिम नियम, तो फाइनली हम स्वर संधि कंप्लीट कर देंगे। ये है आपका अंतिम और पांचवा नियम। इसमें ए आए ओ आओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, प्लीज नोट करते रहो। हाँ, कहते इसमें, इसमें मतलब नियम पांच में, ए या ओ औ के बाद अगर कोई असमान मतलब इनसे संबंधित कोई दूसरा लेटर आए, ए आए ओ औ नहीं आए, जैसे ई आ जाए, आ जाए, ठीक है, तो वो असमान हुए। अगर आया तो ए का आए हो जाएगा, आए का आए हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। कैसे, ये देखिए इस तरह से, प्लस अन, ए के साथ में आ आया तो हो गया आय, तो हो गया शयन, आय आयन शयन, तो श में आ है फिर यह है आय, फिर नय प्लस इका, नायिका, आय, पो प्लस इत्र पवित्र, नो प्लस इक नाविक, नो प्लस इक नाविक, आय आव सॉरी आव, लिख लो।
बस दो दो एग्जाम्पल लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। हो गया लिख के। अच्छा ओके गुड। तो पांचों समझा, स्वर के पांचों समझे प्रकार, आप पांचों नियम। ओके ठीक है, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, आप सब लोग फटाफट मुझे चैट बॉक्स में उसका विच्छेद करके विच्छेद करो और बताओ कौन सी संधि है, बताते जाओ, बताएंगे। अरे वाह, ओके कौशिकी। देखो यहाँ पे दिया है कि अगर ना, यहाँ पे देखो लेफ्ट में देखो, ये देख रहे हैं ए आई ओ औ, और यहाँ पे दिया ए आई ओ औ के बाद कोई असमान, मतलब इनसे मिलता हुआ नहीं, इनके अलावा कोई दूसरा अक्षर आए कहाँ, प्लस के बाद, तो ए के साथ अ जुड़ रहा है तो असमान है ना, सेम टू सेम नहीं है ना। आयुष, जब भी मैं थर्ड बता रहा था तो तभी क्या सो रहे थे आप, और थर्ड मैंने दो बार रिपीट किया, वही टाइम पे पूछने में तकलीफ होती है क्या? अभी सेवेंथ जाऊंगा तो बोलोगे फिफ्थ वाला बताओ, ये कोई तरीका तो नहीं है। ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछने को नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने ऑलरेडी पूरा रिपीट किया। आयुष अभी रुको, मैं आपको बताता हूं, थोड़ी एक्सप्लेन करता हूं, बट गलत है बेटा ऐसा कि वही टाइम पे पूछो ना, जब नहीं समझा। अभी जैसे कुछ लोगों ने बोला सर फिफ्थ नहीं समझा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज अभी वही पढ़ा रहा हूँ। जब भी थर्ड पढ़ा रहा था तो थर्ड पूछो ना, एक बार नहीं तीन बार पूछो, जब तक नहीं समझ में आता तब तक पूछो, बट एक बार आगे बढ़ने के बाद फिर बोलो चलो पीछे, तो बैलगाड़ी थोड़ी ना है कि आगे पीछे ही होते रहेंगे। हाँ पहले ये समझ लो फिर मैं बताता हूँ थर्ड वाला। वेट, तो फिफ्थ में देख लो, ये अ सॉरी ए ए ओ औ के बाद जब कोई असमान वर्ण आता है, चाहे अ हो चाहे ई हो, ठीक है, तो जुड़ते हैं, जब ए से जुड़ेगा असमान वर्ण तो ए के जगह पे हो जाएगा आए, और ए से जुड़ेगा तो हो जाएगा आए, ओ से जुड़ेगा तो हो जाएगा आओ, और औ से जुड़ेगा तो हो जाएगा आव। अब समझा? ये समझा? ओके कौशिक, अब ये लिख लिया ना, एक सेकेंड मैं थर्ड बता देता हूं आयुष को। वेट, हाँ
यही है ना, ये तो बहुत आसान है। इसमें बताया मैंने कि इसमें यदि अ या आ के बाद, ये देखो अ या आ के बाद ए या ए आए, अभी इसका सरल तरीका ये है कि प्लस के बाद जो आएगा उसकी बड़ी मात्रा हो जाएगी। अगर ए आया तो ए की बड़ी मात्रा क्या है, अ। ओ आया तो ओ की बड़ी मात्रा है, आओ। बस इतना ही चेंज होएगा, जैसे सदा प्लस ए ओ, तो ए आया तो ए की जगह पे साउंड क्या होएगा, अ, तो हो जाएगा सदैव। अगर ओ आया जैसे महा प्लस आओ, औदार्य, तो औ का क्या होएगा, औ ही रहेगा। जैसे वन प्लस औषधि, तो औ आया तो औ का औ ही रहेगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना हर एक शब्द के लिए, सॉरी, हर एक नियम के लिए आपको बहुत सारे शब्द मिले, बहुत सारे एग्जाम्पल मिले, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको नियम ध्यान में रखना है कि अच्छा आ में अगर ए आए जोड़ेंगे तो आए हो जाएगा, ओ आओ जोड़ेंगे तो आओ हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखो, आपको आसान रहेगा पहचानना। और एक बार जिससे प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट समझ में भी आता है ये चीज। हाँ, महोदार्य वनौषधि, वेरी गुड। मैं कुछ अभी शब्द दे रहा हूं, अभी समझा ना ये आयुष, आयुष थर्ड समझा। ओके, आयुष नहीं बोल रहा है, मैं चिल्ला दिया ना, आयुष गुस्सा हो गया। आयुष समझा? ओके ओके ठीक है, चलो आगे। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि में, लेकिन व्यंजन में मैं चलूं उसके पहले मैं थोड़ा स्वर तो पूछ लूं, हक बनता है कि नहीं, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो? अरे बाबा, हाँ गुड। चलो तो मैं शब्द बोलते जाता हूं, फटाफट आप लोग का चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। नरेंद्र, पहले अपने नाम से शुरू करता हूं। और प्रकार भी बताएंगे कौन सा है, आप बीच में प्लस भी डाल दो नम्रा। हाँ, अ प्लस ए, अरे वाह, वेरी गुड रिद्धि। संधि कौन सा है वो भी तो बता दो, आगे लिख दो। अ प्लस ए इक्वल टू, लेकिन अ प्लस ए कैसे हुआ रिद्धि? ओके, डेनियल ने सही लिखा है भाई। तो हम हाँ नम्रा, बिल्कुल अभी सही लिखा आपने, नर प्लस इंद्र, वेरी गुड। क्या बात है कोच की, आपके लिए मैं क्लैप कर रहा हूं, बहुत अच्छा आपने लिखा, नर प्लस इंद्र। वो थोड़ा टाइपिंग आपका मिस्टेक हो गया, और नियम तीन है इसमें, वेरी गुड। ओके, जितेंद्र, नहीं, अंदरा नहीं होएगा वैभव। नियम दो। ओके, अरे तो खाली नियम मत बताओ ना सुहम, पूरा बताओ। नम्रा ने बताया जीत प्लस इंद्र स्वर संधि। ओके, जीत प्लस इंद्र, इंद्र होएगा कि इंद्र होएगा, आ प्लस ई। ओके, सो हम, वेरी गुड, ए जितेंद्र, बहुत अच्छा। जीत प्लस इंद्र,
किसने सही बताया? मन्नत ने। क्या बात है मन्नत, आज तो चांदी हो गई आपकी। अटेंडेंस मैंने आपका नहीं दिखा था। दीप ने भी लिखा है। ओके अत्यंत अत्यंत अंतिम है अत्यंत। नहीं नम्रा रॉन्ग, और ट्राई करो फिर से। जरूरी सबसे पहले उत्तर देना नहीं है, जरूरी सबसे अच्छा उत्तर देना है। ओके केतकी ने विक्रोली ब्रांच केतकी, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। वैभव आपका स्टार्टिंग रॉन्ग है और टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, प्लीज उस पर ध्यान दो। अरे वाह मन्नत सही है, क्या बात है डैनियल। प्लस अंत नहीं होएगा, रॉन्ग। आयुष बिल्कुल सही, बट उसके बाद शब्द कौन सा बन रहा है वो भी तो बता दो। कौशिकी सही नहीं है, रुद्धि आपका भी सही नहीं है बेटा। नो डैनियल आपका रॉन्ग है, मैंने पढ़ा आपका। हाँ आयुष आप साउंड रॉन्ग कर रहे हो, मराठी का आप साउंड कर रहे हो। अत नहीं है डैनियल, अति है, अति प्लस अंत है। हाँ जय सही है आपका, घाटकोपर बहुत अच्छा। सोहम सोहम रॉन्ग है, पी आए है। हाँ नम्रा भी सही है। हाँ डेनियल अब भी सही है आपका, वेरी गुड। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो फाइनली स्वर, स्वर के हमने पांच नियम पढ़े, उनको अच्छे से ना रीड करके रखोगे तो मुझे ना आप लोगों का, कुछ लोगों का ना स्टाइल बहुत अच्छा लगा बताने का कि सर ये जो शब्द है इसका ये विच्छेद है और इसमें ये नियम फॉलो हो रहा है, इसका मतलब आप लोग नियम पर ध्यान दे रहे हो, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नियम को ध्यान रखोगे तो आपसे गलती तो होगी ही नहीं। तो प्लीज वो पांच नियम कम से कम दो दो तीन तीन बार रीड करके रखना, इनकेस अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको लगता है कि सर पांचों मैंने पढ़ा तो, बट कोई तो एक नियम ऐसा है जो मैं बराबर समझ नहीं पा रहा हूँ उसको फॉलो करने के लिए, तो फिर से पूछ लेना, मैं फिर से बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो शुरू करें व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उस व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार, विकार मतलब बदलाव चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। कैसे आइए उदाहरण देखते हैं। पहला नियम, अब अगर मैंने जब आपको पहले लेक्चर में बताया था कि देखो व्यंजन है क ख ग घ च छ ज झ, सब बताया था ना आपको, पंचमाक्षर भी बताए थे, तो उस टाइम पे एक मिनट
ओके डन। ये लीजिए, देखा डन हो गया लिखे। ये क्या है, सर अभी डन। यस सर। ओके स्टूडेंट, व्यंजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके बाय।